हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल रिलेटेड फुल फॉर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए और साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आज का फुल फॉर्म है एम का तो एम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ़ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी याद रखिएगा एम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी नेक्स्ट बी एम एस बी एम एस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी याद रखिएगा बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बी एम एस नेक्स्ट बी एच एम एस बी एच एम एस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड सर्जरी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड सर्जरी बी एच एम एस एम आर एम आर का फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एम आर एम आर आई एस सी ए एन इसका फुल फॉर्म होता है एम आर आई एस सी ए एन का मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग स्कैन मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग स्कैन एम आर आई स्कैन एम डी एम डी मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को हम लोग एम डी भी बोलते हैं ठीक है एड्स एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रम्स क्वायर्ड इम्यूनो डिफिशंसी सिंड्रोम्स, एड्स एम्स एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बी आई एस बी आई एस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब बी आई एस बी सी जी बी सी जी का फुल फॉर्म होता है बेसीलियस कैलमिटी ग्रेनाइन बेसीलियस कैलमिट ग्रेनाइन बी सी जी ठीक है याद रखिएगा ई एम जी ई एम जी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई एम जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई e जी -E e -E का फुल फॉर्म होता है एलेक्ट्रोनेफेलोग्राम एलेक्ट्रोनेफेलोग्राम एलिसा टेस्ट एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट असे वायरस ठीक है इंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट असे वायरस एच आई वी एच आई वी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो वायरस आई सी यू आईसी यू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू आई ओ एल आई ओ एल का फुल फॉर्म होता है इंटरा ओक्यूलर लेंस आई ओ एल का फुल फॉर्म होता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको ओ आर एस ओ आर एस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ओ आर एस ओ पी डी ओ पी डी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओ पी डी पी ए एस पी एस का फॉर्म होता है पैरा अम्यूनो सेलिसाइकलिक एसिड पैरा अम्यूनो सेलिसाइकलिक एसिड पी एस एस ए आर एस का क्या फुल फॉर्म होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स सी ए टी सी ए टी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एग्जाइल टोमोग्राफी कंप्यूटर एग्जाइल टोमोग्राफी कैट सो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम